इधर विदिशा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, जिसके कारण शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार करने में परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में अस्थायी शमशान घाट बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ मुक्तिधाम सेवा समिति ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। जिले में 100 नए शवदाह स्थल बनाए जा रहे हैं। मुक्तिधाम सेवा समिति के मुताबिक अभी तक 13 शवदाह स्थल, जो की वर्तमान परिस्थितियों में कम पड़ रहे हैं, इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर पालिका सहयोग से 10 अस्थाई शवदाह स्थल बनाने का कार्य बुधवार से शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि अभी तक जिले में 80 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। वर्तमान कोरोना हालात को देखते हुए विषम परिस्थितियां हमारे सामने हैं। ऐसे में सीधा असर मुक्तिधाम पर गिर रहा है। हमारे पास अभी 13 शवदाह गृह हैं, पूरे जो स्थल हैं जहाँ 13 एक साथ अंत्येष्टि की जा सकती है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए हमें अस्थायी 10 और बढ़ाना पड़े। आज ही काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका के प्रशासन की ओर से हम 10 नए शवदाह स्थल बना रहे हैं।